नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसी हैं? आज सितंबर की 10 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों ने फरमाइश की थी कि चांदनी के प्लांट पर वीडियो बनाया जाए, और उनकी फरमाइश पे मैंने 6 सितंबर की दोपहर को चांदनी के प्लांट पर वीडियो बनाया भी। तो आज 6 तारीख की दोपहर को बनाया था और आज सुबह का टाइम है 10 तारीख का, और 3 दिन का हम अब रिज़ल्ट देखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं, तो वो मेरा वीडियो नंबर 500 देखें और उस तरीके से ग्रो करें और उन्हें खूब अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये मैंने कुछ इस तरह से पोली बैग में ढक दिया था इसको, ना लिफाफे को बांध दिया था। तो ये साइड में जैसे आप देख रहे हैं, ये होल भी बना हुआ है एक्स्ट्रा मॉइस्चर के लिए। तो ये अब निकाल के हम इसको देखते हैं। ये तो मैंने कल नहीं देखा, नहीं तो इसकी रूट्स तो मुझे लग रहा कि पहले से ही बनना स्टार्ट हो गई थी। ये कटिंग आप पहचान रहे हैं, वही वाली कटिंग जो आपके सामने लगाई थी मैंने 6 तारीख की दोपहर को लगाई थी। ये कोकोपीट बहुत ही कमाल की चीज़ है, और इसमें मैंने जिस दिन 6 तारीख को लगाई थी उसके बाद मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया और आज भी पानी नहीं दिया। तो ये जैसे मैंने सुबह निकाल के देखी, तो ये देखें आप इसके रिज़ल्ट। तो मेरे जो बहन भाई लगाना चाहते हैं, तो वो होप करती हूँ कि वो कटिंग लगाने से घबराएं नहीं और वो ज़रूर लगाएंगे, और सीधे आप जिस जगह में लगाना चाहते हैं आप उसमें इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये रूट्स आप देख पा रहे हैं, ये हमारे 3 दिन के रिजल्ट। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम चांदनी की कटिंग लगाते हैं तो कई बारी जो कटिंग हमारी हरी भरी रहती है, तो हरी भरी रहने के कारण यहाँ पे ऊपर लीव्स आ जाती हैं बट ये फिर रूट्स नहीं आती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें रूट्स नहीं आती हैं, और फिर रूट्स ना आने के कारण क्या होता है कि हमारी जो कटिंग है वो फिर मर जाती है कुछ टाइम के बाद। उसकी जो पत्तियाँ होती हैं हरी भरी निकली होती हैं न्यू न्यू, वो भी सूख जाती हैं क्योंकि रूट्स बन नहीं पाती हैं। और इसमें बड़े कमाल की बात है कि ये रूट्स बन गई हैं और फिर ये 100% जो जिसकी रूट्स बन जाती हैं वो चल जाती है अगर इसकी अच्छे से देखभाल की जाए, इसको पानी वगैरह ठीक से दिया जाए। तो अगर मेरे भाई बहन जो लगाना ही चाहते हैं चांदनी की कटिंग को, तो सीधे आप ऐसे पोट में लगाएं जिसमें कि आपको उसके उस प्लांट को रखना है। तो 2-4 कटिंग लगा दीजिए आप, और उसमें पोट में जो है आप अच्छा सा, जैसे प्लांट लगाने के लिए आप मिक्सचर बनाते हैं उसमें थोड़ा सा आप गार्डन की आधी मिट्टी ले लीजिए और आधी आप थोड़ा हिस्सा गोबर की खाद और थोड़ा हिस्सा आप कंपोस्ट का मिला लीजिए। तो ये मिक्स करके उसमें 1-2 मुट्ठी रेत की मिला सकते हैं, वो मिक्स करके ऊपर यहाँ तक आपने इसको दबाना है, कटिंग को दबाना है वहाँ तक आप कोकोपीट भर सकते हैं। कोकोपीट भर के फिर इसको लगा दीजिए और ऊपर जैसे वीडियो में देख लीजिए आप, और सीधे फिर आपको ये ज़रूरत नहीं है देखने की उखाड़ने की, बस मॉइस्चर इसका जो है बना रहना चाहिए। तो ये जब हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ये प्लांट हमारा ऊपर लीव्स भी निकलेंगी और इसकी ग्रोथ भी होगी। और मैंने ये भी दूसरी वाली कटिंग 2 लगाई थी ना, हमने ये भी निकाल के देखी और इसमें भी आना स्टार्ट होगी। अब ये एक दिन में तो ये बढ़ नहीं सकती, इतनी लंबी रूट्स हैं, ये एक दिन में तो बड़ी नहीं होगी, तो हो सकता है यहाँ कल या परसों, तो 2 दिन में ही आना ये स्टार्ट हो गई हूँ। ये देखा आपने, ये इस तरह से मुझे बिल्कुल भी होप नहीं थी, और ये मज़ेदार रिजल्ट हैं इसके। और ये दूसरी वाली कटिंग भी देखी मैंने, इसमें भी आना स्टार्ट हो गया है, 2 ही कटिंग लगाई थी हमने। अब ये है कि मैं ठीक से बस उखाड़ पाऊँ, कई बारी मेरे से ना जल्दबाजी में जो रूट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। हाँ, इसकी टूट गई, इसकी भी मैंने देखी थी, ये यहाँ पे बन रही थी, बड़ी नाजुक होती हैं क्योंकि जो न्यू न्यू निकलती है ना बहुत नाजुक रूट्स होती हैं, और ये मेरी गलती से ये टूट गई है। हो सकता मैंने जब ये सुबह दोबारा इसको ग्रो कर दिया जब देखी उस टाइम ये मेरे से टूट गई है। तो ये दोनों, ये देखो और भी इसमें ऐसे यहाँ पे बन रही थी रूट्स इसकी, ये यहाँ पे स्पेस भी दिख रहा आपको, दिखा नहीं पा रही, टूट गई, बहुत ही नाजुक नरम मुलायम। और
अब ऐसे ही काट दे रही हूँ इसको, मेरे को चाहिए तो है नहीं कटिंग, मैं बस रिजल्ट दिखाना चाहती थी और खुद देखना। और इसमें भी पता नहीं, हो सकता मेरे से ज़्यादा टूट गई हूँ, ये ऊपर भी निकल रही है, ये देखिए ये ऊपर भी, ये पहले लंबी थी थोड़ी सी, ये निकालते हुए ये टूट गई है इस तरह से। तो मेरे जो बहन भाई लगाना चाहते हैं तो बस जो इसी तरीके से लगाएं वो, और फिर उन्हें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो यूं ही देखा था कि देखती हूँ कि रूट्स कुछ बनी हैं कि नहीं, स्टार्ट हुआ है, तो ये देखा तो बड़े अच्छे से बन गई, मतलब निकलना काफ़ी लंबी जैसी हो गई। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जो मेरे बहन भाई चांदनी को लगाना चाहते हैं इसी तरीके से लगाएं, और ग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो ग्राउंड में भी वो ये टेक्निक अपना सकते हैं जिस जगह में लगाना चाहते हैं, या फिर प्लांट तैयार करके फिर उसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो इतना हार्डी प्लांट है, इसकी थोड़ी सी भी रूट्स बन जाती है ना तो भी पौधा जो है बड़े आराम से चलना जो स्टार्ट हो जाता है। नमस्ते जी, शुक्रिया।